हरदोई में चल रहे किसान आंदोलन के क्रम में किसान यूनियन के द्वारा हरदोई के कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर रेल रोकने जा रहे किसान नेताओं को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर रोक लिया और उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन लाया गया। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राज बहादुर ने बताया कि किसान कृषि बिल किसानों के विरोधी है। उन्होंने कहा कि मंडी खत्म हो जाने से वह अपना धान और गेहूं कहां भेजेंगे, इसको लेकर भी किसान बेचैन है। सरकार एमएसपी भी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि तीनों बिल किसानों के लिए काला कानून है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। अगर बिल वापस नहीं लिए जा रहे हैं तो आगे की रणनीति तय की जाएगी। किसान यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस लाइन में एडीएम संजय सिंह, एएसपी अनिल कुमार भारी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्टर आज राष्ट्रीय आह्वान पर हमारा रेल रोको कार्यक्रम था। हम लोग टिकैत जी के सिपाही हमेशा अनुशासित रहते हैं, अनुशासित रूप से इस कार्यक्रम को करना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने अपनी मनमानी और हठधर्मिता करके हम लोगों की गिरफ्तारी की है। अब हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, हमारे लोग जेल जाने को तैयार हैं और जो भी इनका सिस्टम हो उस तरीके से यहाँ इनके समक्ष हम खड़े हैं। कितनी संख्या में उतरे, कितनी संख्या में आप लोगों को, कितने किसान लोगों को गिरफ्तार किया है? संख्या तो हमारी बहुत बड़ी हो जाती, तमाम लोग हमारे देर सवेर चले यहाँ आ नहीं पाए। शाहबाद में हमारी कई ट्रालियां रोक ली गई, बालामऊ में रोके गए। अगर पूरा होता तो 2,500 आदमी हो जाता। फिलहाल कितने लोग जो भी आ पाए हैं 200-400 वही मौके पर हैं।